हेलो फ्रेंड्स मैं समिता स्वागत करती हूँ तो देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है तो जितनी आपकी चेस्ट है प्लस दो इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है तो चेस्ट हमारा थर्टी है तो उसका चौथा आएगा एट इंच और दो इंच प्लस करते हुए टेन इंच पर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और जो कपड़े का बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रा करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे अब तैयार तो ब्लाउज की लेंथ मेरी तेरह इंच है तो मैंने एक इंच बढ़ा कर ली है आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे एक इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा डिप ने अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने फाइव इंच आर्म होल लिया है मैंने सिक्स इंच स्क्रीन पर दे है मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं अब चेस्ट हमारा थर्टी टू आ रहा है तो उसका चौथा आएगा एट इंच और डेढ़ इंच मार्जिन का आप तो मार्जिन दो इंच की भी रख सकते हैं और एक डीप नेक ब्लाउज है ने जो तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है वेस्ट हमारा ट्वेंटी सिक्स आ रहा है तो उसका चौथा आएगा सिक्स पॉइंट फाइव इंच एक इंच बाग पार्ट के प्लेट्स के लिए और डेढ़ इंच मार्जिन का आपसे तो मार्जिंग दो इंच की भी रख सकते हैं देखिए इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है मार्किंग के बराबर से ही हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है विथ में रख रहे हो में टू इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो में नाइन इंच और नीचे से वित में टू पॉइंट फाइव इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप निकाल लेना है देखिए इसी तरह से नेक को हमने ड्रॉ किया है उसी के बराबर से हमें कट कर लेना है सबसे पहले हमें पेपर पेस्टिंग रेडी कर लेंगे नेक के बराबर से ही तो एक इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा नेक जितना हमने ड्रा किए हैं उसे एक डेढ़ इंच बढ़ाकर पेपर पेस्टिंग लेंगे और एज इट इज पेपर पेस्टिंग पर हमें नेक को ड्रा कर लेना है देखिए अब बाहर की तरफ हमें एक इंच लेते हुए एक लाइन और ड्रा कर लेंगे एक इंच पर हमें ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है जैसे नेक की मार्किंग की है उसी से बाहर की तरफ लेते हुए एक इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो बाहर बाहर की लाइन है हमारी उसको ही हमें कट कर लेना है और नीचे का जो हमने नेक ड्रॉ किया था उसको भी हम कट करेंगे अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर हमें प्रेस से चिपका लेंगे पेपर पेस्टिंग को और बराबर से फोल्ड करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है अब हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है तो मैंने गोल्डन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और राइट साइड पर कपड़े को रखते हुए हमें बराबर कॉर्नर से स्टिचिंग कर लेनी है तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ आएगी और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है और कपड़े को पलटाते हुए बराबर पाइपिंग के बराबर से हमें फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग रेडी कर लेनी है देखिए इसी तरह से और जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है देखिए ऐसे हमें अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और नीचे से हमें सबसे पहले कमर की तरफ से स्टिच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है सिलाई मार्जिन को वो अंदर की तरफ लेते हुए अब पूरे कपड़े को पलटाते हुए एक रोप स्टिच कर लेंगे देखिए हमारा यहाँ कपड़ा रॉन्ग साइड चला गया है अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ कर या ना रहे इसका ध्यान रखें देखिए इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है अब जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे देखिए इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है अब एक सेंटर से स्टिच कर लेंगे ताकि नेक को हमें पेपर पेस्टिंग रखते वक्त हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो जाए इसलिए अब रॉन्ग साइड पर हमें पेपर पेस्टिंग जो हमने नेक रेडी करके रखा था उसको रखेंगे रॉन्ग साइड पर रखना है और उससे पहले हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं तो 2.5 इंच के मैंने स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे हमें समोसे रेडी कर लेने हैं मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है मैंने आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक ले सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लेते हुए ऐसे कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं और उसको कॉर्नर से बराबर से सीधा कट करते हुए फिनिशिंग के साथ रेडी करना है अब जो हमारा पेपर फेस्टिंग का फैब्रिक था उसको नेक था उसको हमने मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर लाया है अब उसको पलटाते हुए हमने जो पाइपिंग लगाई है उसी के बराबर से उसको स्टिच कर लेंगे देखिए बराबर रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है और स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉर्नर्स हमने जो रेडी करके रखे थे उसको हमें बराबर से रखते हुए अटैच कर लेना है देखिए इसी तरह से सभी कॉर्नर्स हमें मेन फैब्रिक के साथ जो नेक हमने पेपर पेस्टिंग का रेडी करके रखा था उसको बाहर की तरफ रखते हुए अटैच कर लेंगे देखिए इसी तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो रहा है आप चाहे तो कोई कॉन्ट्राक्ट में भी फैब्रिक लेते हुए उसको बना सकते हैं मैं मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है जो कॉर्नर हमने रेडी किए हैं उसके लिए देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे एक इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है अब हम कॉर्नर से एक लेस अटैच करेंगे ये लेस भी हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है बराबर कॉर्नर से रखते हुए अटैच कर लेंगे देखिए इसी तरह से लेस अटैच हो चुकी है अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ अब जो हमारे कॉर्नर से उसके कॉर्नर से बराबर से हमें गोल्डन्स मनी अटैच कर लेने हैं सुई धागे से उसको पक्का करते हुए अटैच कर लेंगे और धागे को गाट करते हुए हम धागे को कट कर लेंगे इसी तरह से पूरे कॉर्नर्स को हमें गोल्डन्स मनी अटैच कर लेने हैं देखिए गोल्डन स्पंज मेरे अटैच हो चुके हैं अब हमें लटकन रेडी कर लेने हैं तो लटकन के लिए मैंने फोर इंच का फैब्रिक लिया है और उसको सबसे पहले कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे दोनों फैब्रिक को दोनों कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे सबसे पहले अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है बराबर कॉर्नर से लेस अटैच करेंगे कॉर्नर से लेस को बराबर से फोल्ड करते हुए अटैच कर लेनी है और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए दूसरे कॉर्नर से लेस अटैच करेंगे इसी तरह से हमें थ्री लाइंस रेडी कर लेनी है देखिए इसी तरह से थ्री लाइंस रेडी कर, कर लेंगे अब जो फैब्रिक को हमने ये लेस नहीं लगाई है उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए रखेंगे और डोरी को हमें अंदर की तरफ लेते हुए तीनों कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है देखिए इसी तरह से अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है पलटाने के बाद एक कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और जो हमारी रूही होती है उसको अंदर की तरफ डाल देते हैं देखिए इसी तरह से हमारे दोनों लटकन रेडी हो चुके हैं अब हमें नेक के ऊपर उसको अटैच कर लेंगे देखिए इसी तरह से हमारे ये लटकन अटैच हो चुके हैं 2.5 इंच के डिस्टेंस पर हमें अटैच कर लेने हैं देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद